पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें, नदी नाले बिफर गए, दरिया शनापी तो यानी के बायस गढ़ महाराजा के 10 देहात जेरे आब आ गए। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी कर रहे हैं। उकाड़ा में नौजवान की पुलिस हिरासत में, मुबैना हलाकत के खिलाफ मुरसा सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि नौजवान की मौत पुलिस तशद्दुद के बायस हुई। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने मुतल्लिका सचिव समेत 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए। गुजरांवाला में असलहे के तौर पर मोबाइल फोन छीनने वाला डकैत अवाम के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्तान, साहिवाल, सियालकोट और सरगोधा समेत पंजाब भर में जश्न आजादी को शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियां जारी। स्टॉलों पर आवाम का रश, कौमी परचमों के साथ साथ झंडियां, बैजेस और दीगर सामान भी खरीदा जा रहा है। कराची से पंजाब जाने वाली ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। भिक्षा के करीब रेलवे ट्रैक पर देसी साख्ता बम को नकारा बना दिया गया। जिला बदीन में हालिया बारिशों से 80 से ज्यादा तालीमी इदारे पानी में डूब गए। नकासियाब न होने से स्कूलों में तदरीसी अमल भी मुतासिर। कई इलाकों में तलबा और असातिज़ा पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर। कबल होने वाली मूसलाधार बारिश से निजामे जिंदगी मुतासिर। नकासियाब के नाफिस इंतजाम और 2 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ ख्वाजा सरा सड़कों पर निकल आए। कल्लात में म्यूनिसिपल कमेटी एम्प्लॉयज यूनियन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। तनख्वाहें बर वक्त न मिलने से मुश्किल दरपेश हैं। घरों में नौबत फाकों तक पहुंच गई। मुजाहिरीन ने वाजवात की फौरी अदायगी का मुतालिबा किया है। यूरोप समेत सूबे भर में जश्न आजादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। जिला भर को सब हिलाली परचमों से सजाया जा रहा है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। मूसलाधार बारिशों के बाद मुल्क भर के नदी नाले बिभर गए हैं। दरियाए चनाब में तोगयाने के बायस गढ़ महाराजा के 10 देहात जेरे आब आ गए। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी कर रहे हैं। मुल्क में जारी मूसलाधार बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी है। दरिया और नदी नाले फिपर रहे हैं। बारिशों के बायस दरियाए चनाब भी फिपरने लगा। समंदुआना के मकाम पर तुगयानी के बायस गढ़ महाराजा के 10 से ज्यादा देहात जेरे आब आ गए। सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। कई कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गयी। समंदुआना, बस्ती झंडेर न्याजी, बस्ती बहलोल, बस्ती वली मोहम्मद झंडेर, बस्ती सजावल झंडेर और दीगर देहातों में सैलाबी सूरतेहाल के बायस लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। बताएं कि पाकिस्तान के 69वें यौमे आजादी में चंद रोज बाकी रह गए हैं। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी शहरी यौमे आजादी मिली जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। स्टॉल्स पर आवाम का रश है। कौमी परचमों के साथ साथ झंडियां, बैजेस और दीगर सामान भी खरीदा जा रहा है। सियालकोट से देखते हैं मियां नईम इकबाल की ये रिपोर्ट।
14 अगस्त 1947 को कायम होने वाली अजीम फलाही ममलिकत पाकिस्तान का यौम आजादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए सियालकोट में तैयारियां जारी हैं। सैकड़ों मुकामात पर स्टाल लगाए गए हैं, जहां कौमी परचम, झंडियां, बैजेस और मलबूसात फरोख्त किए जा रहे हैं। हर उम्र के शहरी जश्न आजादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए खरीदारियों में मसरूफ है। आजाद मुल्क रहने पे यही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने, अल्लाह ताला ने सानू आजाद मुल्क दिता, बड़ियां कुर्बानियां के बाद मुल्क कायम होया। खूबसूरत कौमी परचम वाले कपड़े बच्चों की दिलचस्पी का बायस बने हुए हैं, जो इन्हें पहनकर यौम आजादी मनाएंगे। छोटे बड़े कौमी परचम अवाम की तवज्जो का मरकज हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम आज़ाद मुल्क में हैं और भरपूर तैयारियों से ये 14 अगस्त की खुशियां मनाई जा रही हैं और घरों घरों में झंडे लगाए जा रहे हैं। सब लोग खुश हैं, 14 अगस्त की तैयारियाँ कर रहे हैं, झंडियाँ वगैरह लगा रहे हैं, हम भी तैयारियाँ कर रहे हैं। जिंदा कौमें हमेशा अपने कौमी अयाम मिली जोशो जज्बे से मनाती हैं और यौम आजादी के मौके पर पाकिस्तानी कौम वतन की खातर किसी जानी और माली कुर्बानी देने से दरेक ना करने का अजम भी करेगी। यौम आजादी की तैयारियां जो है वो भरपूर अंदाज में मनाई जा रही हैं और हर शहरी जो है वो यौम आजादी की तैयारियों में मसरूफ है। कैमरामैन मोहम्मद तारा के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़ सियालकोट। जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। साहिवाल में जदोजहद आज़ादी के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का अहतमाम किया गया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साहिवाल आर्ट काउंसिल में जश्न आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आज़ादी का खसूसी केक भी काटा गया और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी कमिश्नर साहिवाल बाबर हयात थे। आर्ट काउंसिल में मुनक्किदा तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। अवाम ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरक अलामा इकबाल और दीगर तहरीकी आज़ादी के रहनुमाओं की तस्वीर को खूब खराज तहसीन पेश किया। बात करेंगे सरगोधा की। सरगोधा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश और जज्बे के साथ जारी हैं। आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरी कौमी परचम और झंडियां खरीद रहे हैं। मजीद तफसीला जान लेते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ मोहम्मद उस्मान से। उस्मान, ये बताइएगा कि क्या तैयारियाँ हैं सरगोधा में जश्न आज़ादी की। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सरगोधा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है फुल अरूज के ऊपर है। शहरियों में जोशो खरोश जो है बहुत दीदा देर है। इस वक्त हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर टोपियां, झंडे, झंडियां, बाजे और इसके साथ दिगर जो है बच्चे, बूढ़े सभी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर जश्न आज़ादी मनाने के लिए खूब जोशो खरोश उनमें पाया जा रहा है। और मुल्क भर की तरह यहाँ पर भी काफ़ी जो है वो जोशो खरोश देखने में आ रहा है और इस वक्त जो है शहरी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर रुख कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं स्टालों के तरफ और झंडियाँ लगा रहे हैं। इस वक्त जो है बच्चे जो हैं वो घरों की इमारतों के ऊपर जो है वो लगा रहे हैं और सरकारी इमारतों के ऊपर भी जो है उसे वो जो है कुमकुमों से सजाया जा रहा है और झंडियों से सजाया जा रहा है। और एक बहुत ही बड़ी तादाद में देखा जा रहा है कि यहाँ पर कि जो है जश्न आज़ादी जो है खूब जोशो जज्बे से जो है वो मनाई जा रही है। शुक्रिया उस्मान शेख, गोदा से अपडेट किया। बात करेंगे मुल्तान की। मुल्तान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरी बड़ी तादाद में कौमी परचम, झंडियां, बैजेस और दीगर सामान की खरीदारी कर रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट देखते हैं एजाज तरीन की। जूं जूं 14 अगस्त करीब आ रहा है, शहरियों की बड़ी तादाद कौमी परचम, झंडियां, बैजेस खरीद कर जश्न आज़ादी जोशो खरोश और कौमी जज्बे से मनाने की तैयारियां कर रही है। बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी वतन की मोहब्बत दीदनी है। नन्हे मुन्ने बच्चे, बड़े बुजुर्ग और खवातीन खरीदारी करती नजर आ रही हैं। खरीदारी करने वाले शहरियों का कहना है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां देकर हमें वतने अजीज दिलाया, हम वतने अजीज की आज़ादी जोशो खरोश से मनाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क बहुत ही कुर्बानियों के साथ हासिल किया है, इसलिए हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इस दिन को बहुत ही जोश खरोश से मनाएं। और हम हर साल जोश खरोश से मनाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, झंडे लेते हैं, बैचेस लगाते हैं और हम पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और नेशनल सॉन्ग्स गाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, ये हमारा कौमी त्यौहार है और इंशाल्लाह बहुत जोश खरोश से मनाया जाएगा। जिंदा कौमों के लिए इस तरह के दिन मनाना बहुत ज़रूरी होता है,
लेकिन मौजूदा हालात ने खासतौर पर कोयटा के धमाके ने हमें इस मौके पर ज़रा वो कर दिया है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको इस तरह के हर वाकयात को कंट्रोल करे। जिससे आज़ादी की तैयारियां साबित कर रही हैं कि बुजुर्ग नौजवानों और बच्चों में वतन की मोहब्बत का जज्बा पैदा कर रहे हैं ताकि कौम मुतहद होकर वतन अजीज को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। जिंदा कौमें हमेशा आज़ादी का जश्न जोशो खरोश से मनाती हैं। हमें आज़ादी का जश्न मनाते वक्त इस ऐद की भी तजदीद करना होगी कि हमारे इसलाफ ने असूल वतन के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, हम इन कुर्बानियों को रहेगा नहीं जाने देंगे और इनकी लाज रखते हुए वतन अजीज की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। कैमरामैन फियाज वागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। कबीरवाला में भी यौमी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। बच्चों और बड़ों का जोशो जज्बात इतनी है, शहरियों की बड़ी तादाद सब्ज हिलाली परचम और रंग बिरंगी झंडियां खरीदने में मसरूफ नजर आती है। मजीद जानते हैं शेख असगर से। शेख असगर ये बताइएगा कि कहां तक पहुंची हैं यहां पर भी तैयारियां जश्न आज़ादी की। जी हाँ, बिल्कुल 14 अगस्त के करीब आते हैं, मुल्क भर की तरह कबीरवाला में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ कबीरवाला में जगह जगह सब आज़ादी परचम, सब रंग बिरंगी झंडियाँ और बैजेस के स्टार लगा दिए गए हैं। यहाँ खरीदारों का रश है, घरों के घरों को, बाजारों और दफातरों को जो है सब आज़ादी परचम और झंडियों से सजा दिया गया, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और हर बंदा यौम आज़ादी के जश्न को मनाने की तैयारियाँ कर रहा है। यहाँ से मौजूद एक स्टार ग्रुप, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए कि आप आपकी तैयारियाँ कैसे, जोश व खरोश कैसा आपका? अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, ये दिन हमारे लिए ईद से बढ़कर है और हम बड़े जोश व खरोश से ये दिन मनाते हैं। झंडे बैजेस वगैरह हम खरीदने आए हैं। हम तमाम को ये पैगाम देना चाहते हैं, हम एक आज़ाद कौम है और एक जिम्मेदार कौम है और हम इस दिन को बहुत जोश खरोश से मना रहे हैं। जैसा कि जो ये नौजवान है, इसका कहना है कि ये दिन जो यौम आज़ादी का जो दिन है, ये हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं है। शुक्रिया शेख अशगर, आपने अपडेट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सानहा कोयटा के खिलाफ मरी प्रेस क्लब के जेर एहतमाम रैली निकाली गई और तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां भक्त होने वाले अफराद के लिए दुआएं मगफरत भी की गई। सानहा कोयटा के खिलाफ मरी प्रेस क्लब और मरी बार एसोसिएशन की जानिब से मॉल रोड पर रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के कारकुनों और रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अहमदपुर शर्किया में सानहा कोयटा के खिलाफ बार एसोसिएशन की जानिब से एक ताजियती इजलास का इनेकाद किया गया। अहमदपुर शर्किया में सानहा कोयटा के खिलाफ बार एसोसिएशन की जानिब से एक ताजियती अजलास मुनक़द किया गया और एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। रैली से खताब करते हुए सदर बार एसोसिएशन नजर मोहम्मद असलम, जनरल सेक्रेटरी मेहर सजाद सियाल और सीनियर वकील इम्तियाज अफरीदी एडवोकेट ने कहा कि पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी करा रहा है और सानहा कोयटा में भी भारत ही मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि अब वकला और सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है जो काबिल मजम्मत है और सहाफत का जो को वहाँ किया है, शहीद किया गया है, हम उसकी पर मजम्मत करते हैं और उनके साथ इंसाफ किया जाए और उन लोगों को जिन लोगों ने ये काम किया है उनको पकड़ा जाए। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि हम दहशतगर्दों के बुजदिलाना हमलों से नहीं डरने वाले, हमारे हौसले बुलंद हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज किया जाए और उन्हें कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के जेर एहतमाम ननकाना साहब के कस्बा वारबर्टन में लेबर कॉलोनी की तामीर का आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ननकाना साहब ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डायरेक्टर वर्कर्स पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मोहम्मद मजहर ने कहा कि पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के जेर एहतमाम सूबा भर में 29 लेबर कॉलोनियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वारबर्टन में भी लेबर कॉलोनी बनाई जा रही है जिसमें 926 मिलियन रुपए की खतीर ग्रांट से 208 फ्लैट्स तामीर किए जा रहे हैं जो तमाम बुनियादी सहूलियात से आरास्ता होंगे। खुशाब में वापदा मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से खसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। उनका कहना था कि मसाइल को नजरअंदाज करना और मराहत से महरूम रखना उनके साथ सरकारी सतह पर की जाने वाली एक संगीन नाइंसाफी है।
آر او آفس جوہر آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وابڈا افسران کا کہنا تھا کہ میٹر ریڈر سیکشن کو وابڈا میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، لیکن بدقسمتی سے اس سیکشن پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ اس سیکشن میں اسٹاف کی کمی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ان کو نوا سکیل پچھلی ڈیٹ سے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ پیس آف ورک ان کو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اگر ہمارے یہ مسائل میٹر ریڈر کا حل نہ ہوئے تو ہم راست اقدام اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ اپنے حق لینا جانتے ہیں، ہم اپنی یونین کے ساتھ ہیں، آج بھی ساتھ ہیں، کل بھی ساتھ رہیں گے۔ قیادت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میٹر ریڈر جاگ چکا ہے، اگر ان کے مسائل آپ نے حل نہیں کیے تو اس کے جو نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے وہ آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میٹر ریڈر سیکشن کو فعال بنانے کے لیے میٹر ریڈروں کو 5,000 روپے ماہانہ، موبائل الاؤنس اور دیگر مراعات دیے جائیں، بصورت دیگر وہ بھی اپنے حقوق کے حصول کے لیے احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے۔ ضلع بدین میں حالیہ بارشوں سے 80 سے زائد تعلیمی ادارے پانی میں ڈوب گئے، جن سے پانی کا اخراج نہیں کیا جا سکا، جس کے باعث اسکولوں میں تدریسی عمل بھی متاثر ہو کر رہ گیا ہے۔ تحصیل بدین، گولارچی اور ٹنڈو باغوں میں مونسون بارشوں کے باعث 80 سے زائد اسکول زیر آب آ گئے، اور بارشوں کا پانی ان عمارتوں کے احاطے میں اور ارد گرد کھڑا ہے، جن کی نکاسی کے لیے ابھی تک کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ نکاسی آب نہ ہونے کے باعث کئی اسکولوں میں اساتذہ اور طلباء کے لیے کلاسوں تک پہنچنا بھی امتحان بن چکا ہے، اور اکثر مقامات پر پانی سے گزر کر اسکول جانے پر طلباء مجبور ہیں۔ تعلیمی اداروں سے بارش کے پانی کا اخراج نہ ہونے کے باعث نہ صرف متاثر اسکولوں میں تعلیمی عمل جزوی طور پر متاثر ہے، بلکہ طلبہ کی حاضری بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ اس صورتحال سے شدید پریشانی کا شکار ہیں، جس کے ازالے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ بلوچستان کی خبروں میں بات کریں گے کلات کی، جہاں میونسپل کمیٹی امپلائیز یونین کی جانب سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کلات پریس کلب کے باہر میونسپل کمیٹی امپلائیز یونین کے زیر اہتمام تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف سینکڑوں ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر مزدوروں کے حق میں نعرے درج کیے گئے تھے۔ کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وقت نیوز کے ساتھ رہیے۔